न सिर्फ जो सक्षमता जिन लोगों ने पास किया 1,85,000 से ज्यादा या बीपीएससी के थ्रू जो लोगों ने परीक्षाएं पास की हैं और जो ज्वाइनिंग किया है उन्होंने 2 लाख से ज्यादा या कुछ और लोग हैं जो पुराने शिक्षक हैं 1995 के कमीशन पर, तो सभी लोग अपना इसमें पिटिशन दे सकते हैं। एक समय सीमा हम लोग निर्धारित करेंगे और एजुकेशन डिपार्टमेंट के पोर्टल पर उसको अपलोड करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। नवरात्रि में शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा बड़ी खुशखबरी दी गई है। जी, आपको बता दें कि ट्रांसफर पोस्टिंग का जो डेट है वो अब जारी कर दिया गया है और साफ तौर पर कहते हुए जा रहे हैं जो शिक्षा मंत्री हैं, दिसंबर तक उन लोगों को ज्वाइनिंग भी करवा लिया जाएगा। क्या दे रहे हैं शिक्षा मंत्री, पहले सुनिए उनकी बातों को। आप सभी को नमस्कार और आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। जो भी आप सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हैं, आप लोगों का आज बुलाने का कारण और वजह यह है कि कई दिनों से ये सवाल उठ रहे थे कि शांतरण नीति जो ट्रांसफर पॉलिसी है शिक्षा विभाग की क्या होगी। तो इस पर हम लोगों ने काफ़ी व्यापक विचार विमर्श किया, जो शिक्षकों ने अपने पिटिशन्स दिए, जो जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों से हम लोगों ने वार्ता की और जिलों में हम लोग जब भ्रमण के लिए गए, हम भी गए, हमारे पदाधिकारी गए, तो उस वक्त हमें जो फीडबैक मिला तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने उसके बाद एक पॉलिसी बनाई और पॉलिसी को यथासंभव हम लोगों ने बहुत उदार रखने का काम किया है, ताकि जो भी शिक्षक हैं हमारे उन्हें कम से कम कठिनाइयों का सामना करना पड़े। और जो भी पॉलिसी बनती है उससे सरकार का मत है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मत है कि इस पॉलिसी में अधिक से अधिक लोग संतुष्ट रहें। और हम समझते हैं कि जो हमारी पॉलिसी बनी है उसमें अधिकांश शिक्षक संतुष्ट रहेंगे, क्योंकि इसमें व्यापक विचार विमर्श हुए हैं और साथ ही साथ हम लोगों ने शिक्षकों की जो कठिनाइयां हैं उनको भी मद्देनजर रखते हुए ये नीति बनाई है। और इस नीति में हम लोगों ने ध्यान दिया है कि न सिर्फ जो सक्षमता जिन लोगों ने पास किया 1,85,000 से ज़्यादा या बीपीएससी के थ्रू जो लोगों ने परीक्षाएं पास की हैं और जो ज्वाइनिंग किया है उन्हें 2 लाख से ज़्यादा या कुछ और लोग हैं जो पुराने शिक्षक हैं 1995 के कमीशन पर, तो सभी लोग अपना इसमें पिटिशन दे सकते हैं। एक समय सीमा हम लोग निर्धारित करेंगे और एजुकेशन डिपार्टमेंट के पोर्टल पर उसको अपलोड करेंगे और हम लोग उसमें उन लोगों को 10 ऑप्शन देंगे, शिक्षकों को 10 ऑप्शन देंगे, काफ़ी ऑप्शन देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऑप्शन रहेंगे उनके पास। और यथासंभव हम लोगों ने कोशिश किया है कि जो शिक्षक हैं अपने ही ज़िले में रहें, पहली बात तो ये है कि अपने ही ज़िले में रहें ताकि उनको सुविधा हो अपने ही ज़िले में, और बीपीएससी के भी जो पास कर चुके हैं या सक्षमता वो भी इसके हकदार रहेंगे या पुराने जो शिक्षक हैं। तो जो हम लोगों ने नीति बनाई है उसकी प्रतिलिपि भी आपको हम देंगे, उसमें व्यापक सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन हम लोगों ने यह ध्यान रखा है सबसे पहले कि अगर किसी को असाध्य रोग हो या गंभीर बीमारी हो या फिर दिव्यांगता के कारण या फिर मानसिक कोई समस्या हो तो इन सबों को हम लोग काफ़ी उच्च प्राथमिकता देंगे।
उन लोग पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे कि उनके बीमारी इत्यादि के कारण उनके इलाज में दिक्कत ना हो और उनको सुविधा हो, ये हमने पहले भी ये बात रखी थी। और उसके अलावे जो वैसी महिलाएं हैं जो विडोज हैं या किसी कारणवश सिंगल हैं, तो उन लोगों के बारे में भी हम लोगों ने विशेष ध्यान रखा है। और महिलाओं का जहां तक प्रश्न है, गृह पंचायत से हट के पुरुषों को अनुमंडल से उसी जिले में बाहर रख करके हम लोगों ने ये नीति बनाई है। और जो एक बार जब पोर्टल पर ये लोग अपना एप्लीकेशन अपलोड कर देंगे तो उसको हम लोग निर्णय लेंगे उस पर, लेकिन इनकी ज्वाइनिंग हम लोग दिसंबर माह में कराएंगे ताकि छुट्टियों के वक्त, ताकि अभी जो पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही है किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं हो, उसमें किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न नहीं हो। हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनके दिशा निर्देश में जो ये जो नई नीति हम लोगों ने ट्रांसफर की है, उसमें हमने शुरू में ही कहा कि अगर किसी तरह की बात हो जाती है, कुछ विसंगतियाँ, सारे मेहनत और सभी फैक्टर्स को हम लोगों ने लिया है, कोशिश की है, तो अगर कहीं ना खुदा ना खास्ते अगर कुछ कमी कहीं रह गई तो इसी कारण इसका निराकरण करने के लिए हम लोगों ने पहले जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के लीडरशिप में एक कमेटी बनाई है कि वहाँ जिला स्तर पर इसका निराकरण हो सके, या फिर डिविजनल कमिश्नर के लेवल पर भी हम लोगों ने कमेटी बनाई है, और विभाग का तो अधिकार रहेगा ही हस्तक्षेप करने का। तो अगर किसी को किसी तरह की परेशानी है या इस ट्रांसफर नीति के अधीन भी कुछ विसंगतियाँ रह गई हो तो उसको हम लोग इन कमिटीज में एड्रेस करेंगे। तो हर व्यापक पैमाने पर हम लोगों ने विचार विमर्श किया है, सभी के जो विचार हैं उसको हम लोगों ने डिस्कस किया है, हमारे SES साहब से और सभी पदाधिकारियों से हम लोगों ने डिस्कशन किया है, और उसके बाद ये नीति लाई है। लेकिन एक बार जब उनकी नियुक्तियां, जो प्रोसेस चल रहा है, खास करके जो नियोजित शिक्षक हैं उनके काउंसलिंग के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र भी दे दी जाएगी, दिया जाएगा, उसके बाद वो लोग सरकारी सेवक हो जाएंगे। लेकिन उनसे भी हम अपेक्षा करेंगे, विभाग करेगा, सरकार करेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी भी करेंगे कि अब आप सरकारी सेवक हो गए हैं तो बिल्कुल डिसिप्लिन के तहत उन्हें रहना होगा। उन्हें फायदे भी हैं जो एक सरकारी सेवक को होता है, पोस्ट रिटायरमेंट या सरकारी सेवक को अन्य जो सुविधाएं दी जाती उन्हें मिलेंगी, लेकिन उन्हें भी ये ध्यान रखना होगा कि बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से वो पठन पाठन कराएं और कोशिश करें कि बिहार में शिक्षा का स्तर और बेहतर हो, क्वालिटी एजुकेशन हो, और उसमें उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। इन बातों को हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए ये किया कि जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपने देखा होगा और जानते भी होंगे शायद, कि जो कुल बजट है, एनुअल बजट 272,000 करोड़ से ज़्यादा, उसका 20% से ज़्यादा यानी 52 करोड़ से ज़्यादा मेन बजट में शिक्षा के लिए रखा गया, और बाद में 10,000 करोड़ सप्लीमेंट्री भी लिए गए हैं। तो ताकि हम लोग हर स्तर पर, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, मिड डे मील हो, चाहे वो पोशाक हो, साइकिल योजना हो माननीय मुख्यमंत्री जी की, कहीं किसी तरह की कमी नहीं आए, और जो प्रोत्साहन राशियां दी जा रही हैं स्टूडेंट्स को, क्रेडिट कार्ड दिए जा रहे हैं, कहीं कोई कमी नहीं हो। और उसी कड़ी में हम लोगों ने ये जो ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाया है, सुधार पॉलिसी बनाया है,
ताकि अधिकांश शिक्षकों का हित हम लोग इसका ख्याल रख सकें और दिसंबर माह तक इनकी पोस्टिंग भी हो जाएगी। आप जानते हैं थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है और सबको अपनी अपनी समस्याएं हैं, तो हम लोग पर्याप्त समय देंगे सभी को अपने पिटीशन लिख करके अपलोड करने का और उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग उसको सब कुछ करेंगे ताकि किसी तरह की शिकायत नियंत्रण नीति पर बात कर रहे हैं उससे संबंधित। और एक चीज़ और एक और बात बता दें, जो अनुकंपा के मामले थे तो उसमें भी हम लोगों ने कैबिनेट करा लिया है और 6421 अनुकंपा के मामले थे उनको भी हम लोग कुछ समय से लंबित थे ये मामले, तो उनके परिवार के लोगों को भी हम लोग निश्चित रूप से वॉक कर लेंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट में। हम लोगों ने रखा है, मेरी बात मेरी एक एक करके पूछे हम लोगों ने। देखिए आप सरकारी सेवक जब हो जाते हैं तो कुछ नियम कानून हैं, कायदे हैं और हम लोगों ने यथासंभव कोशिश किया है और लिखा भी है, आप पढ़ लेंगे कि हम लोगों ने उनको उसी जिले में रखा है। और लेकिन विशेष परिस्थिति में जिनके समस्याएं हैं उन पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे, वो तो हमने शुरू में ही लिखा है। लेकिन आप ये भी समझें कि आप जब आप सरकारी सेवक हो जाते हैं तो सरकारी नियम कायदे कानून है, आपको सरकारी सेवक के सभी फायदे मिलेंगे, आपको पेंशन इत्यादि भी बाद में मिलेगा, तो कुछ सरकारी नियम कानून को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। आप उदाहरण स्वरूप आप देख लीजिए, हम लोगों ने तो डिस्ट्रिक्ट में ही रखा है, एक पुलिस डिपार्टमेंट का अगर आप लेते हैं उदाहरण तो वहाँ पर आज करीब करीब 30,000 महिलाएँ हैं जो पुलिसकर्मी हैं और किसी पुलिस वाले को अपने डिस्ट्रिक्ट में काम करने का मौका नहीं मिलता है, वो भी तो अपने नौकरी कर रही हैं। तो ठीक है, संघों का काम है मांग करना, सभी चीज़ों पर सभी बातों पर हम लोगों ने विचार विमर्श किया और अनुशासन के दृष्टिकोण से और साथ ही साथ क्वालिटी एजुकेशन के दृष्टिकोण से हम लोगों हमारी समझ है कि हम लोगों ने जो पॉलिसी बनाई है वो काफ़ी व्यापक है, उदार है और जनहित में है, शिक्षकों के हित में है और शिक्षा के हित में है। तो हम लोगों को एक बात ये भी इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि शिक्षक की मांगे और शिक्षक की समस्याएं दूर, लेकिन शिक्षा पर कितना ध्यान हम लोग देते हैं ये ज़्यादा मायने रखता है। शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता क्या हो, क्वालिटी एजुकेशन क्या हो, और जिस तरह से लिटरेसी रेट बढ़ा है, आपको बताना चाहेंगे कि 2001 में महिलाओं का लिटरेसी रेट करीब 34% था, आज 74% के करीब है। बजट के बारे में हमने बताया, ड्रॉपआउट पहले 12% से ज़्यादा था 2005 में, आज 1% से कम है ड्रॉपआउट। तो इन बातों पर भी हमें ध्यान रखना है कि शिक्षा की गुणवत्ता में कहीं से कमी नहीं आए, क्योंकि हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है बिहार का डिपेंड करेगा कि किस तरह के क्वालिटी एजुकेशन हम उन्हें दे पाए। पंचायत की बात कर रहे हैं आप देख लें, और पति पत्नी को गवर्नमेंट सर्वेंट है उनका भी हम लोगों ने ख्याल रखा है। वो टोटल मिला के 10 विकल्प होगा, लेकिन कुछ उसमें शर्तें हैं जो कि हम लोगों ने एनुमरेट किया आप देख भी लेंगे उसके तहत, लेकिन हम समझते हैं कि 10 विकल्प काफ़ी होता है और उसमें अधिकांश लोगों को निश्चित रूप से हम लोग सेटिस्फाई कर पाएंगे। फिर भी हमने कहा कि कहीं ना कहीं अगर सारी एफर्ट्स के बाद, सारी मेहनत के बाद भी अगर कोई भी संगति रह गई हो कहीं, तो उसी के लिए हम लोगों ने जिला लेवल पर और फिर प्रमंडल लेवल पर और विभाग के स्तर पर तो है ही, हम लोग ऐसे आवेदनों को निश्चित रूप से पुनः समीक्षा भी करेंगे। यानी कि उसका मतलब जिन्होंने अभी तक एग्जाम नहीं पास किया है तो वो कर जाएंगे तो उन पर फिर से लागू होगी, वो तो होगा ना। जब आप अभी तो
सरकारी सेवक तब बनेंगे ना जो सक्षमता पास कर जाएंगे, जो बीपीएससी पास कर चुके हैं या पूर्व से 1995 के बीपीएससी के शिक्षक, ये सब इससे आच्छादित हो रहे हैं। लेकिन वो अभी बाकी पास कर जाएंगे तो उनको भी उसमें ले आएंगे। वो कुछ उसमें कुछ कठिनाइयाँ थी जो हम लोगों ने कहा है कि जल्द से जल्द उसको करने के लिए कुछ कठिनाइयाँ थी, ये हम लोग उसका तिथि निकाल देंगे अति शीघ्र, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर भी, ये पॉलिसी अप्रूव हो गई है तो एक सॉफ्टवेयर बनाने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो लेकिन हम लोग पर्याप्त समय देंगे और खुदा और किसी को दिक्कत भी अगर होनी नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग समय काफ़ी देंगे। सभी को मौका देंगे, 5 मौके दे रहे हैं हम लोग, तो सभी को मौका मिलेगा। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि काउंसलिंग के दौरान हम लोग गहराई से सभी सर्टिफिकेट इत्यादि की भी जांच करेंगे और जहाँ पर किसी तरह की कमी पाई जाएगी या सर्टिफिकेट जेन्युइन नहीं है तो उनका अधिकार नहीं रहेगा। हमने कहा बहुत शीघ्र, हम लोग कल पॉलिसी अप्रूव हुई है तो आज हम लोगों ने आप सभी को बता दिया, हम लोग शीघ्र, हमको लगता है जैसे ये सॉफ्टवेयर भी डेवलप करना शुरू कर देंगे आज से तो अति शीघ्र। लेकिन जैसा हमने कहा कि पठन पाठन में, पढ़ाई में व्यवधान न उत्पन्न हो, इसके लिए हम लोग जो भी इम्प्लीमेंट करेंगे दिसंबर महीने में छुट्टियों के दौरान, ताकि पढ़ाई लिखाई में किसी को कोई दिक्कत ना। आपने सुना शिक्षा मंत्री सुनील कुमार साफ तौर पर बताते हुए जा रहे हैं कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी है वो बना ली गई है, जल्दी से वेबसाइट डेवलप किया जाएगा और उसके बाद जो दिसंबर तक है वो उनको पोस्टिंग भी करवा लिया जाएगा, जो सक्षमता परीक्षा पास कर जो आए हैं उनको और बीपीएससी के शिक्षकों को। नमस्कार। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल।